फतेहपुर खागा वर्षों बाद ने दिखाई अकड़ रागीर और परेशान दुकानदार। खागा कस्बे में बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन और गंगा यमुना किनारे की सवारियां भी होती है, जिनको रात में साधन मिलना जरूरी नहीं होता। और सर्दी तो इस कदर बढ़ रही है कि पूरा पूरा देश प्रदेश ठंड से जूझ रहा है। वहीं सरकार की तरफ से ठंड से बचने के लिए रैनबसेरा और बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, चौराहे, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाकर लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए मुहिम जारी किया है। खागा नगर पंचायत की ओर से रेलवे स्टेशन चौराहे पर, तहसील के पास, चेयरमैन आवास के सामने, इन जगहों पर तो मोटे लकड़ी के गुटके डाल दिया गया है, जो बिना छोटी लकड़ी के जलना भी मुश्किल हो रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं व्यापारी और नगरवासी। बाइट व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रकाश पांडे 2-सूरज 2 चाय वाले 3- ज्ञानेन्द्र सिंह, एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष संजय पटेल की खास कवरेज खागा फतेहपुर। नमस्ते। ये बताएं भाई साहब, ये कहाँ की व्यवस्था है, ये नगर पंचायत की तरफ से किससे है? अरे ये सब आम पब्लिक की व्यवस्था है नगर। क्या जलाए हो? ये तो प्लास्टिक जल रहे है। प्लास्टिक जला रहे हो? नगर पंचायत की तरफ से यहाँ बस स्टाप है, यहाँ अलाव अलाव की व्यवस्था नहीं है क्या? कोई व्यवस्था नहीं। ये ठंड इतना कड़ाके की पड़ रही है और यहाँ नगर में देखते हैं कि लोग इधर उधर से सिकुड़ रहे हैं, या नगर पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्था? देखिए अब इससे ज़्यादा फिर से ठंडी तो नहीं पड़ेगी जी, यही प्रचंड ठंडी का समय है और इस समय जो है हमारे समझ में अलाव जी की बहुत ही आवश्यकता है जी। और अलाव के नाम पे मैं तो सचिव प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि तमाम जगहों पे अलाव की व्यवस्था कराई जाए, ताकि जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो अपने आग से अपने जीवन को जो है संभाल सके, क्योंकि ठंड बहुत प्रचंड पड़ रही है इस समय, बहुत ही आवश्यकता है इस बात। और अलाव अभी कहीं दिख नहीं रहे, खागा में कहीं अलाव दिख नहीं रहे जी, और इसकी बहुत ही आवश्यकता है। आपका सुपरिचय? प्रकाश पांडे, अध्यक्ष व्यापार मंडल। थैंक यू। ये बताइए भाई साहब जी, ठंड इतना भयंकर पड़ रही है और ये खागा कस्बे नगर में ठंड से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी भैया, इस समय तो खागा में सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि इस समय खागा में क्या हर जगह पे अलाव लगने चाहिए, जैसे स्टेशन पे है, बस स्टॉप पे है जी जी। और मैं आज की बात करूँ तो अभी मैं सब्जी मंडी गया था, जहाँ पे पुल के नीचे सब्जी लगी है, कैनाल रोड पे सब्जी लेना था जी। तो वहाँ पे देखा तो लोग, सब्जी वाले लोग भी बहुत ठंड से कांप रहे हैं जी। और इस समय सर होना चाहिए कि नगर पंचायत के द्वारा जी, के द्वारा ऑलरेडी अलाव की व्यवस्था हो जानी चाहिए, जिससे जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आग से ठंड से छुटकारा मिले। जैसे कि ये रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, बस स्टॉप है, जहाँ पे सब्जी मंडी लगती है यहाँ पर भी रहते हैं। और सुबह देखता हूँ कि जहाँ लोग इकट्ठा हो गए, डेली काम करने के लोग आते हैं कैनाल रोड के पास, वहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था हो जानी चाहिए, जिससे लोगों को ठंड से जहाँ लेवर बजा लगे जी। आपका सुपरिचय? जी, मेरा नाम ज्ञान प्रताप सिंह है, मैं एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ठीक है। पूरी मार्केट में चाय बांट रहे हैं, यहाँ ठंड इतनी पड़ रही है, कहीं अलाव अलाव की व्यवस्था है? मेरे हिसाब से तो अलाव की व्यवस्था जब स्टाफ में दिखाई दिया है, चौराहे के पास एक कुत्ता बड़ा है, बड़ा सा जी, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है जी जी, जो पब्लिक ज्यादा ठंडा जाती है जी, उसी व्यवस्था के साथ कुछ जला उला के थोड़ा बहुत ताप दिए जी, चलते बने जी। फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दी नगर में। तो ये ठंड से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था होना चाहिए? यही सुझाव है कि जहाँ पर भीड़ है, चौराहा है, बस स्टॉप है, या जहाँ पर भी नगर के आदमी ज्यादा इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था कायदे की होनी चाहिए, जो जले जले की फूट डाल दिया काम हो गए। आपका सुपरिचय? मेरा नाम सुंदर चुबे है, मैं चाय का काम करता हूँ और घूम के ही करता हूँ, ये सब मेरी निगाह में रहता है, लेकिन मैं आपसे ही कह सकता हूँ।